वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। आज का हमारा वीडियो नंबर 22। आई होप आप हमारे 21 पहले का जो भी वीडियोस हैं उसको लाइक किए होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेन हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन व्हिच मे कॉज एक्सीडेंट। पहले थोड़ा सा हैजार्ड के बारे में, जो पहले भी हमने सेफ्टी टर्मिनोलॉजी में भी बताया था, एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। क्या है हैजार्ड? हैजार्ड इज एनी रियल और पोटेंशियल कंडीशन व्हिच मे कॉज इंजरी टू पर्सन, इलनेस, डैमेज और लॉस ऑफ सिस्टम और प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। मतलब एक ऐसा स्थिति है या वास्तविक या संभावित जिससे क्या है, किसी भी व्यक्ति को चोट लग सकता है, बीमारी हो सकता है, प्रॉपर्टी या सिस्टम को डैमेज कर सकता है या पर्यावरण की हानि कर सकता है, उसी को हम हैजर्ड कहते हैं। यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं ये क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पे आपने ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया और आपने ग्राइंडिंग वर्क जो कर रहे हैं उसका जो भी स्पार्क्स है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर पे जा रहा है। और ये क्या है, ये हाईली रिस्की, ये एक आई थिंक क्रेन है, क्रेन के ऊपर बैठ के एक आदमी, शायद टेक्नीशियन, यहाँ पे केबल के रिपेयरिंग मरम्मति करने के लिए ऊपर जा रहे। आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉप 16 हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही जितने एक्टिविटीज हैं उसमें से चुन के जो मेजर एक्सीडेंट कॉजिंग हजार्ड्स हैं उसको हमने आइसोलेट किया, उसको हमने वहां से लिया जो मेन इंपॉर्टेंट हजार्ड्स है जो सब को जानना जरूरी है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने के लिए आए, या वो काम करने के लिए आए हैं वो मैनेजर हो या लाइन मैनेजर्स हो या सेफ्टी मैनेजर हो या सेफ्टी सुपरवाइजर हो। एवरीवन शुड नो टॉप 16 हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन साइट्स। क्या क्या है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक है जैसे फायर, एक है अनसेफ वर्किंग एट हाइट, अनगार्डेड मशीनरी, अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस, अनसेफ एक्सेस एग्रेस, स्ट्रक बाय फॉरेन बॉडी, अनसेफ स्कैफोल्ड्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ओपन शाफ्ट्स एंड एजेस, अनसेफ कैंटिलीवर लोडिंग प्लेटफॉर्म्स, अनसेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म्स, ओवरलोडेड vehicle and forklifts, unstable and unsafe structural membranes, unsafe electrical equipment and connections, unsafe mobile crane or unsafe excavations। ये हमने top 16 hazards को identify जिसके कारण construction site पे accident होते हैं या हो सकता है। अभी हम ये हैजार्ड्स के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या है। पहले है फायर और अनगार्डेड मशीन। क्या है फायर? फायर हैजार्ड जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल, पोर्टेबल टूल यूज कर रहे हैं जहां पे ओपन फ्लेम, डायरेक्ट आपका आग निकल रहा है, जैसे गैस कटिंग, गैस कटिंग पावर टूल नहीं है बट गैस कटिंग में डायरेक्ट आग निकलता है ओपन फ्लेम। ये क्या है? चॉपसो कटिंग मशीन, इसमें कोई मेटल कटिंग हो रहा है, शायद एक एमएस एंगल कटिंग हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, यहाँ पे भी ग्राइंडिंग वर्क हो रहा है तो स्पार्क नीचे गिर रहा है, तो ये है फायर। नेक्स्ट है अनगार्डेड मशीनरी। कैसे कैसे? ये देखिए एक यहाँ पे जो कन्वेयर है, दो
गियर आपस में कन्वेयर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है वो गार्डेड नहीं। ये क्या है? एक ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है लेकिन इसमें कोई भी मशीन गार्डिंग नहीं है। ये क्या है? मशीन गार्डिंग नहीं रहने के दौरान जब एक आदमी वुड कटर मशीन से कटिंग कर रहा था उसका उंगली फंस जाता है और यहाँ पे फिंगर इंजरी आपको क्लियर विजिबल। तो ये था अनगार्डेड मशीन। नेक्स्ट इज अनसेफ एक्सेस। ये बहुत सारा कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। ये जैसे कुछ फोटोग्राफ्स है जो अनसेफ एक्सेस है, यहाँ पे ब्रिज बनाना चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर स्कैफोल्ड होना चाहिए था, ये एक्सेस एरिया सही नहीं है। यहाँ पे कैसे एक्सेस दिया गया है देख सकते हैं आप, नीचे कुछ भी नहीं है और जो लैडर है वो भी सुइटेबल नहीं है। और ये तो एकदम ही हाई रिस्क जॉब है। एक तो ये लोडर है, जेसीबी बैकहो लोडर, उसके लोडर पे एक लैडर लगा के दूसरा आदमी उस पर चढ़ रहा है। दिस इज वेरी वेरी रिस्क। नेक्स्ट अनसेफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हमको साइट पे जरूरत है बहुत सारा, हाइट पे चढ़ने के लिए कंस्ट्रक्शन फेज में स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होता है। स्कैफोल्डिंग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, वॉकिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकता है। इसमें अनसेफ स्कैफोल्डिंग का एक फोटोग्राफ क्या है, यहाँ पे एक जगह व्हील है, मतलब इसको आप मोबाइल स्कैफोल्ड बोल सकते हैं ताकि ये मूव कर सके, लेकिन इसमें क्या है, एक जो लेग है मतलब एक स्टैंडर्ड ट्यूब के नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक चेयर रखा, दूसरे में क्या है चेयर रखा, तीसरे में क्या है व्हील भी नहीं, एक पत्थर के ऊपर इसको रखा गया, मतलब ये पूरा ही स्कैफोल्ड अनस्टेबल है। ये भी आपको दिख रहा है, इसमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं। नेक्स्ट है अनसेफ वर्किंग एट हाइट। देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, ये कटिंग है वेल्डिंग कर रहा है। क्या है, इसमें कोई भी फॉल प्रोटेक्शन नहीं, मतलब ये गिरेगा तो सीधा नीचे। ये तो दिख रहा है लैडर जहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एक स्टेयर केस के ऊपर पूरा अनस्टेबल है। ये क्या है, काम कर रहे हैं आदमी लेकिन अनसेफ स्कैफोल्ड, यहाँ पे कोई भी मेंबर्स कंप्लीटेड नहीं है, वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, भले इन्होंने फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल किया है हाई लेवल के ऊपर लेकिन यहाँ पे स्कैफोल्डिंग जो है वो अनसेफ। और ये क्या है, हाईली रिस्की, बहुत हाई पे काम कर रही है, शायद नट बोल्ट टाइटनेस, इसमें कोई भी फॉल प्रोटेक्शन नहीं है और इनके पास फुल बॉडी हार्नेस भी नहीं और यहाँ पे कोई एंकरेज सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। ये जैसे लिफ्टिंग हो रहा है तो एक आदमी इसी मटेरियल के ऊपर खड़े हैं, दूसरा ये भी शायद एक इलेक्शन जब हो रहा है तो इनके पास कोई फॉल प्रोटेक्शन भी नहीं है और ये डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में है, ये भी सेम डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में है, इनके पास कोई गाइड रोप नहीं है और अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन की वजह से ये क्रेन का टॉपल हो गया, क्रेन गिर गया। और ये भी क्रॉलर माउंटेड हेवी क्रेन, शायद ये ओवरलोडिंग की वजह से गिरा हो या से अनसेफ लिफ्टिंग मेथड की वजह से गिरा होगा या फिर मैकेनिकल फेलियर की वजह से। फोटो है, अगर ऊपर से मटेरियल कोई गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो। नेक्स्ट है ओपन एजेस। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म या एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं तो एज प्रोटेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एज प्रोटेक्शन नहीं। यहाँ पे क्या है, एक स्टेयर केस है ऊपर चढ़ने के लिए, नॉर्मल स्टेयर केस, इसमें हैंड रेलिंग नहीं, हैंड रेल नहीं है मतलब इसका एज प्रोटेक्शन नहीं, तो ये अनसेफ। अनसेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है, ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है और वर्किंग प्लेटफॉर्म में भी कोई गार्ड नहीं है, कोई एंकरेज पॉइंट नहीं है, कोई रेल नहीं है, ये टोटली नॉट स्टेबल पॉइंट, नॉट स्टैंडर्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म। ये भी ऐसा ही है,
एक तो जहाँ पे ये माउंट किया गया है वो स्कैफोल्ड नहीं है, टेम्पररी है, जिसको हम हिंदी में जुगाड़ बोलते हैं। ये वैसे ही अरेंजमेंट है। तो ये अनसेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म का एक। नेक्स्ट, अनस्टेबल स्ट्रक्चर मेंबर्स। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जिस्टिंग कॉलम था, इसके ऊपर में नया कॉलम बनाया गया, लेकिन दोनों को एक साथ में कास्टिंग नहीं किया, दोनों का बीच में ज्वाइन दिख रहा है, अलग अलग। तो ये अनस्टेबल है, ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर मेंबर है, दिख ही रहा है इसका कॉलम। नेक्स्ट, अनस्टेबल मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन का टॉप लिंक बहुत कारण की वजह से होता है, ओवरलोड, कभी कभी ये जो कम सॉयल है ये सही नहीं होता, या मटेरियल जो है उसका सीजी हम सही से कैलकुलेट नहीं करते, तो अनस्टेबल मोबाइल क्रेन एक खुद हैजार्ड है, वो गिर सकता है। यहाँ पे उसी का फोटोग्राफ, जो क्रेन टॉपल हो ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। नेक्स्ट, कैंटिलीवर लोडिंग प्लेटफॉर्म। कैंटिलीवर मतलब जो कि वन साइडेड पे अटैच्ड, अदर साइड ओपन एंड है, तो उसको हम कैंटिलीवर बोलते हैं। कैंटिलीवर लोडिंग प्लेटफॉर्म अनसेफ कैसे, जिसमें रेल कुछ नहीं है तो मटेरियल गिर सकता। आपको कैंटिलीवर वर्किंग प्लेटफॉर्म में रेल, कैंटिलीवर कोई भी लोडिंग प्लेटफॉर्म में आपको हैंड जो रेल है एज प्रोटेक्शन देना है। नेक्स्ट, ओवरलोडेड व्हीकल और फॉकलिफ्ट, ये एक हैजार्ड है, हम ओवरलोड कर लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए और उससे होता है हैजार्ड और एक्सीडेंट होने का चांस। सेम यहाँ पे देखिए, गाड़ी को फॉकलिफ्ट के द्वारा उठाया गया जो फॉकलिफ्ट के कैपेसिटी के ज्यादा है। हैजार्ड्स आइडेंटिफाइड एट वेरियस एंड मोस्ट कॉमनली दिस हैज बीन ऑब्जर्व व्हेन वी गो फॉर वॉक थ्रूज और एनी इंस्पेक्शंस। दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स वी डन, वी एक्चुअली ऑब्जर्व एट वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड वी नीड टू अवॉइड, एंड ऑल दीज कैन बी टर्म्ड एज अनसेफ एक्ट। सम ऑफ देम आर अनसेफ कंडीशंस, वी हैव टू रेक्टिफाई देम। सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू रिसोर्स इशूज, सम आर ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, एवरीथिंग इज देयर। तो वी हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस एलिमेंट्स ऑफ हैजार्ड एंड वी हैव टू रेक्टिफाई, एंड दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। तो अगर आपको ये हमारा अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे लगता है कि आपको हमारा पिछला जो वीडियोस हैं वो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर उसमें लाइक कीजिए। आपका कोई व्यूज़ है यहाँ पे, या फिर हम कुछ और बेहतर कर सकते थे, या फिर हमने कहीं पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो प्लीज़ हमको कमेंट में बताइए, हम ज़रूर उसको सुधार करेंगे, रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं, ये वीडियो का लिंक आपको फेसबुक पेज में भी मिलेगा, और अदर्स सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन फेसबुक पेज में उपलब्ध है, आप वहाँ पे विजिट करके भी देख सकते हैं। आप पेज को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सेव करके भी रख सकते हैं अपने पास। तो आज का वीडियो अभी इतना ही, तो हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।